अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर में, और मेरे साथ हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं और मैं इकरा हारिस। तो जनाब, आज फैसला कुन मैच इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का पूरा दारोमदार आज की इन दोनों टीमों के मैच में है, जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का है। और हस्ब आदत श्रीलंका इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल और 132 रन बना लिए हैं 9 खिलाड़ी आउट पर। बारिश होना तो दूर, उल्टा धूप ही निकल आई है। तो देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएंगी इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ। तो हाफिज़ साहब, न्यूजीलैंड से तो हस्ब तवक्को वही है, लेकिन बारिश नहीं हुई है हमारी तवक्कोआत के बरक्स है। चैलेंज क्या होगा सबसे बड़ा? देखिए, आपने पहले कहा हस्ब आदत, फिर आपने कहा हस्ब तवक्को, फिर मैं उसमें जब आपने हस्ब आदत कहा, मैंने कहा हस्ब रिवायत। अपनी रिवायत के ऐन मुताबिक इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले एशिया कप के फाइनल में जिस ख़राब खेल का मुजाहरा श्रीलंका की टीम ने किया है, मतलब उसको देख के लगता है ना जाने इनको क्या हो गया, ये इतनी बुरी टीम नहीं, छतरौल भी हो रही है इनकी। हाँ, इनके अपने मुल्क में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और जिस तरह के मजमूई तौर पर इनके हालात हैं, इनको ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इनके मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत है बेहतर क्रिकेट की, सिर्फ क्रिकेट के एतबार से नहीं, मजमूई तौर पर उनको बहुत। और दो, इनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो मसला है, सारी मुस्तकबिल की चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो एशिया कप का फाइनल इन्होंने जिस अंदाज में खेला और इस वर्ल्ड कप में दो तीन मैचेस ये जिस बुरे तरीके से खेले, इतनी बुरी टीम नहीं है ये, इतनी बुरी टीम नहीं है कि इतनी बुरी क्रिकेट खेले, तो ये कोई बहुत ही ज्यादा ना तश्वीशनाक चीज है। जब इस किस्म के नतीजे आते हैं तो बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि क्या वजह है कि इस टीम में, अगर आप देखें ना कि आपको निशांका भी नजर आते हैं, कौशल परेरा भी हैं, कुशल मेंडस भी हैं, समरा विक्रमा भी हैं, असलंका भी हैं, एंजेलो मैथ्यूज भी हैं, धनंजय डिसिल्वा भी हैं, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर आप इनको देखते हैं टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, ये ऐसे नहीं हैं जिस खेल का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये अपनी सलाहियतों से कम तर खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके ऊपर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए, और इसके ऊपर यकीनी तौर पर ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा नहीं। आप देखिए, अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में तो इनसे बेहतर क्रिकेट खेली, हत्ता के नेदरलैंड्स ने भी खेली, हालांकि हॉलैंड ने, अगर आप उनको भी देखते हैं तो सरेंडर तो उन्होंने भी नहीं किए हैं, वो भी लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और उस दिन एंजेलो मैथ्यू साहब ने तो इतना गुस्सा, हाँ, आप देखें अब क्या मसला, आज मौका था, आज तो टाइम डाउट नहीं हुआ ना, तो ये जो बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी के बजाय उसको उसकी तवज्जो तकसीम करने के लिए भी इतना ज़्यादा रद्द अमल किसी वजह पर दे देते हैं, किसी बात पर दे देते हैं जो कि क्रिकेट से हट कर होता है। ठीक है, टाइम डाउट हुए, स्पिरिट के मुताबिक या दूसरी चीज़ों के मुताबिक वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, लेकिन गलती आपने भी तो की ना, आप अपनी सारी चीज़ें चेक करके आते, बांध के आते सारी। अच्छा, अब इस परफॉर्मेंस पे चले, श्रीलंका समझ लिया परफॉर्मेंस खराब है, बट व्हाट्स हेल्पिंग आउट न्यूजीलैंड, देयर बॉलिंग, आई मीन द पिच, द एवरीथिंग कंडीशन। आज एक तो उनके ना, अगर हम उनकी बॉलिंग को देखते हैं ना, तो वो लोकी फर्गुसन को वापस लेके आए। अच्छा, फर्गुसन के आने से उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो बेहतर हुई। सेंटनर को अब तक अगर देखते हैं तो उनके कप्तान ने 34 ओवर का खेल इस वक्त जारी है और वो सेंटनर के 10 ओवर मुकम्मल करवा चुके हैं, ठीक है जी, और उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट जो हैं 9वां ओवर वो भी कर रहे हैं टीम सऊदी के, और जो इनका वीक लिंक रहा है ना इस फास्ट बॉलिंग में वो टीम सऊदी हैं। अगर मैट हेनरी फिट हों तो टीम सऊदी कभी भी इस टीम में, वनडे टीम में ना आए, क्योंकि मैट हेनरी का और उनका और जो भी दीगर फास्ट बॉलर्स हैं उनका कोई मवाजना नहीं है। आज के स्लो स्कोरिंग मैच में भी जहाँ पर अभी तक सिर्फ 132 रन ऑन बोर्ड हुए हैं और उसकी 9 विकेटें श्रीलंका गिर चुकी हैं, इन 132 में से 5 ओवर्स में 43 रन टीम सऊदी को हुए हैं। टीम सऊदी की पेस गिर चुकी है, वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं है, एक तो पहले ही पेस कम है और उसके साथ साथ वो स्लोर वन फेंकते रहते हैं, वो और भी ज़्यादा आसानी होती है बल्लेबाज को। अब वो सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में कारआमद और मौसर साबित हो सकते हैं जहाँ पर, और वो भी मेरा ख्याल तवील दुरानिए की क्रिकेट में, जहाँ पर बॉल सीम स्विंग हो रहा हो, बल्ले बॉलर्स के लिए मदद हो, ओवरकास्ट कंडीशंस हो, या जो भी जो सीम बॉलर के लिए जो हालात मुवाफिक होते हैं वो सिर्फ वहाँ के लिए ही महदूद हो गए हैं। अब वो हर जगह पर खेलने के लिए वो न्यूजीलैंड के लिए मददगार साबित नहीं हो सकते, तो ये एक इनका वीक लिंक है फास्ट बॉलिंग में। अब उनके साथ मुश्किल ये हुई कि उनकी इंजरीज हो गई, पिछले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे वहाँ पे तो फर्गुसन भी नहीं खेले थे, और फर्गुसन को देखें कि उन्होंने 8 ओवर्स में से 27 रन देकर 2 विकेटें ली हैं, 2 मेडन ओवर किए हैं। इसी तरह ट्रेंट बोल्ट के भी 9 ओवर्स में 30 रन और 3 विकेटें वो भी ले चुके हैं, और ये तो अभी भला हो इनका श्रीलंका की तरफ से कि थी शंका का, जो कि काफ़ी वक्त गुजार गए हैं,
55 उन्होंने 60 गेंदों के ऊपर उन्होंने 24 रन स्कोर किए हैं, और उनकी इस ये जो उसके साथ कुछ वक्त काफ़ी वक्त गुजारा उन्होंने चमीरा ने भी, क्योंकि 20 बॉलों का सामना उन्होंने भी किया, यानी कि 3 ओवर से ज़्यादा वो उसका साथ की बॉलें उन्होंने ली। अगर इन दोनों की गेंदों को हम देखते हैं तो ये 80 बॉलें ये दोनों खेले, ये जो थी शंका है और चमीरा है, और 80 गेंदों का मतलब ये है कि आप लगभग 14 ओवर के करीब चले गए, 13-14 ओवर ये दोनों खेल गए। तो 13-14 ओवर अगर ये खेल गए और इससे ये ना होते तो इस वक्त तो श्रीलंका की बहुत बुरी पतली हालत होती। 140 रन अब इनके स्कोर इस वक्त हो चुके हैं, जो इनकी 8वीं विकेट गिरी थी अगर आप उसको देखें तो वो 113 रन पे गिरी थी, बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद कितना वक्त इन्होंने गुजारा है, अब 140 हो गए हैं, 9 विकेटों के नुकसान पर, एक विकेट की ज़रूरत है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट है श्रीलंका ने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है, बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है। और जो सेंटनर हैं उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सारे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। कुलदीप यादव राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर और उसके साथ साथ जो मिस सेंटनर हैं इन्होंने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया है, और बड़ी लाइन के साथ इन्हें स्पिन मिलता रहा, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते रहे। जैम्पा ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। सब चीज़ों में से अगर ख़राब किसी ने किया तो वो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने किया। आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में जो भी अच्छे स्पिनर्स हैं, जितने भी स्पिनर्स हैं जो अच्छे हैं, जैम्पा को देखें, मिचेल सेंटनर को देखें, इवन आर्यन दत्त जो हॉलैंड के हैं उनको देखें, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर अगर आप कुलदीप यादव को देखें, रविंद्र जडेजा को देखें, ठीक है, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। आप राशिद और मुजीब, राशिद भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे लेकिन उन्होंने कहीं कहीं ज़रूर अपनी टीम के लिए मददगार साबित हुए। मोहम्मद नबी को देखें, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो मजमूई तौर पर जो अच्छे स्पिनर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। आप तबरेज़ शमसी को साउथ अफ्रीका की टीम से देख लें, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। सिवाय पाकिस्तान के स्पिनर्स के दुनिया की जितनी भी अच्छी टीमें हैं उनके जो गेंदबाज हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए न सिर्फ विकेटें ली हैं, रन्स रोके हैं और उनकी फतूहात में अहम किरदार अदा किया है। मसला सिर्फ पाकिस्तान के स्पिनर्स को रहा है। पाकिस्तान के लिए एक मसला तो ये है कि जी इंग्लैंड से जीतना है, बट किन कंडीशंस के साथ जीतना है ये भी जरा बता दें। ये अभी ना जब ये मैच का नतीजा आता है ना तो उसके बाद बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि पाकिस्तान को किन हालात में से गुजरना है मैच जीतने के साथ साथ। लेकिन जो इस वक्त तक न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है ना, और अगर ये अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं जिसके इम्कानात हैं, क्योंकि 140 पे 9 है इस वक्त, 140 रन बनाए हैं 9 विकेटों के नुकसान पर, तो ये तो वो बहुत जल्द हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब ये आखिरी विकेट कितने भी रन जोड़ती है, 40, 50, 60, अगर 200 रन भी फर्ज कर लें, ये कर लेते हैं आखिरी विकेट में, वहाँ तक चले जाते हैं जो कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, तो वो 200 रन कोशिश करेंगे कि 25-30 ओवर्स में, 30-35 ओवर्स में मुकम्मल कर लें। तो 30-35 ओवर्स में अगर 200 ये करते हैं, अगर जिसके इम्कान कम है ज़रा, अगर ये 200 रन का हदफ देते हैं और वो 200 रन 35-30 ओवर्स में करते हैं तो एक पाकिस्तान के तो फिर निकल जाएगा हाथ से खेल, क्योंकि पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है अगर 50 रन एक रन से अगर भी फतह मिलती थी तो 130 रन की फतह की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। और एक सिनेरियो ऐसा भी था कि पाकिस्तान को अगर को 50 रन से या एक रन से 50 रन से जीतते हैं तो 180 रन से फतह पाकिस्तान को लेना पड़ेगी। मतलब वो पाकिस्तान के लिए रन रेट को बेहतर बनाने के लिए इस मैच के न्यूजीलैंड के हक में बाद बहुत बड़े मार्जिन से फतह की ज़रूरत थी। और अगर न्यूजीलैंड खुद बड़े मार्जिन से जीत जाता है जैसा कि नज़र आ रहा है तो फिर तो पाकिस्तान से खेल बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। वो तो लगता है पाकिस्तान को 500 रन से जीतना पड़ेगा जो कि नामुमकिन होगा। इसका क्रेडिट सारे का सारा जाता है न्यूजीलैंड को, जिस तरीके से उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। नहीं सर, श्रीलंका को भी जाता है। श्रीलंका को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक अच्छा, उन्होंने अपने लिए भी नहीं खेला, पाकिस्तान के लिए तो खेला। उन्होंने किसी के लिए नहीं खेला। उन्होंने कहा जब मैं अपने लिए नहीं खेल सकता तो मैं आपके लिए क्यों खेलूं।